हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि भाग देकर हमने ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होगा? यदि रिमाइंडर जीरो है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, टी स्क्वेयर माइनस तीन, इससे टू टी की चार जमा में थ्री टी की तीन माइनस टू टी स्क्वेयर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, इसको भाग दे के देखेंगे हम। ये है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो पहले हमने यहाँ से टी स्क्वेयर है और यहाँ पर है टू टी की फोर, इसको डिवाइड करना है टी स्क्वेयर से। अब देखो टू यहाँ पर एक है, एक से डिवाइड करेंगे तो दो तो आएगा। यहाँ पर टी स्क्वेयर है तो यहाँ से इसको दो बच गए यहाँ पे, तो टू टी स्क्वेयर पे जाएगा। अब इसकी इस पूरे के साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे हम, दो से इसके साथ गुणा करी दो टी की चार, दो या है दो टी की है तो चार हो गए। ये माइनस का, ये प्लस का, तीन दूनी छः टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना अपन है, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पे टी की तीन है, यहाँ पे टी की दो है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये टी की दो में ही प्लस माइनस होगा। तो इसको हमने पहले लिख दिया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो छः में से दो गए चार टी स्क्वेयर, माइनस के नौ ऊपर से ले लिया और ट्वेल्व नीचे आ गया। अब देखो ये थ्री टी की तीन है, नीचे टी स्क्वेयर है, तो एक से डिवाइड करेंगे, एक तो गया तीन पे, यहाँ पर टी टी की दो है, यहाँ पे टी की तीन है, तो एक टी और बच गया। भाग देते हैं, जब जैसे एक ही चार और भाग में एक ही दो, ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर घटती है यदि दोनों अक्षर सेम हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक ही पावर चार माइनस दो, तो एक ही पावर दो बच गया। तो यहाँ पे तीन में से एक भी घटा सकते हैं हम, या फिर इसके फैक्टर कर सकते हैं। टी को तीन बार लिखेंगे, तीन बार, नीचे टी को दो बार लिख देंगे, तो एक इससे कट गया, एक इससे कट गया, एक टी बच गया, तो ये गया तीन टी पर, तीन टी से इसको गुणा कराएंगे, तो ये हो गया तीन टी की तीन, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो तीन टी नौ और टी है जी टीज। और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना अपन है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू प्लस का हो गया, यू माइनस का, इससे ये कट गया, चार टी स्क्वेयर नीचे लिख दिया अपन है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, तो माइनस के बारह बच गए। अब आ गया अपने पास फोर टी स्क्वेयर, यानी कि यहाँ लिखता हूँ मैं फोर टी स्क्वेयर, और नीचे है टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कट गया, यहाँ पे एक होता है, एक से चार को भाग देंगे तो चार आ गया, ये आ गया चार, चार से यहाँ गुणा करेंगे अपन तो टी स्क्वेयर के साथ, तो ये हो गया फोर टी स्क्वेयर, और चार तीये बारह, माइनस के बारह। अब फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कट गए, ये माइनस का, ये प्लस का, कट गए, तो रिमाइंडर जीरो। तो ये इसका फैक्टर है, तो आप लिखेंगे यस जीरो रिमाइंडर है, तो टी स्क्वेयर माइनस तीन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब ये क्वेश्चन नंबर दो का सेकंड पार्ट है, आपने ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे तीन एक्स की चार है, तो एक से तीन को भाग करेंगे तो तीन एज इट इज आएगा, और एक्स की दो, क्योंकि यहाँ पर एक्स की दो है, यहाँ पे एक्स की चार है, तो एक्स की दो। अब तीन एक्स की गुणा करेंगे आप यहाँ, तो ये हो गया तीन एक्स की चार, और तीन तिया नौ एक्स की तीन जमा में तीन एक्स की दो, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गए, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो नौ में से पाँच गए चार, माइनस के बच गए, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के दस एक्स की दो, ऊपर से बच गया दो एक्स जमा में दो। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो एक तो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे संख्या एक है, यहाँ पे चार है, तो चार पे गया,
यहां पर x की 3 है, यहां पर x की 2, तो एक आ गया यहां पे x। अब पूरे की गुणा करनी है 28 के साथ में, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 4x के 3। फिर इसके साथ गुणा करनी है माइनस के 12x की 2। फिर एक के साथ करनी है माइनस के 4x। फिर घटाना अपन है, सब्ट्रैक्ट घटाना, तो ये जमा का हो गया, ये भी जमा का, ये भी जमा का, ये घटा का, ये जमा कट गई, जमा का घटा का, तो 2 बच गए, 12 मतलब 10 गए, 2x² बच गया, जमा का यू भी जमा का, तो कितने हो गए 6x जमा के 2। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो किस पजा होगा, यो 2 पजा होगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, और x² है, ये x² है जी टीज रह जाएगा यहाँ पे, x² ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे हमें 2x² जमा के 6x और जमा के 2, सेम आ गया ये। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इट इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का, ये दिए हुए बहुपद का फैक्टर है, और यहाँ पे ये इसका भागफल आ गया x 3x² - 4x + 2। ये है क्वेश्चन थर्ड सेकंड का थर्ड पार्ट। अब ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है ये बताना है। यहाँ पे देखो x की 3 है, यहाँ पे x की 5, तो कितना बच गया x की 2 पर गया, इसकी गुणा करो, यहाँ पे x की 5 - 3x की 3 और जमा के x² सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 4 में से 3 गया 1, माइनस का ज्यादा है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कट गया यहाँ पे, ये बच गया हमारे पास 3x जमा का 1। अब ये x की 3 है और ये भी x की 3 है, लेकिन ये माइनस का, तो यहाँ पे गया माइनस का 1। अब इसकी गुणा करो यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस x की 3 - 3x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का 3x हो जाएगा ये, और अगला है माइनस का 1। अब देखो इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये कट गया, ये जमा का, ये जमा का 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें, रिमाइंडर आ गया 2, और रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आप इसमें ये लिख देंगे। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट थे इसमें, ये तीनों पार्ट आपने करने हैं। धन्यवाद।